नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजय वर्मा। बिजली की दुकान में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको आरआर कंपनी की एक तो बॉक्स वाली 90 मीटर की वायर आती है, एक आती है प्रोजेक्ट वाली वायर 200 मीटर वाली, इन दोनों के बारे में आपको डिफरेंस बताने वाले हैं और कौन सी सस्ती रहती है, कौन सी महंगी रहती है, इनके बारे में भी हम आपको अच्छे से डिटेल से इस वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। आपने बिजली की दुकान YouTube चैनल आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में ही बेल आइकन के ऑप्शन को भी ऑन कर लें, ताकि हम नई जो भी वीडियो अपलोड करें वह आपकी नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। आरआर केबल बहुत बड़ी कंपनी है जो सभी प्रकार की वायर बनाती है। आजकल आपने देखा भी होगा कि टीवी के ऊपर अक्षय कुमार इस केबल की एड भी करते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत बड़ी कंपनी है, इसकी आप वायर खरीदेंगे तो आपको फुल गेज में वायर मिलेगी, कोई भी वायर होगी वह अंडर गेज में आपको नहीं मिलेगी। चलो दोस्तों, अब मैं आपको दिखा देता हूँ यह वायर। हमारे पास 90 मीटर वाली बॉक्स वाली वायर है, देख रहे हैं, इस तरह आरआर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, सुपर एक्स लिखा हुआ है इसके ऊपर। यह गत्ते का बॉक्स होता है, इस बॉक्स के अंदर ही वायर को फिट किया होता है। साइड से आप देखेंगे यहाँ पर भी कुछ चेक पॉइंट और लिखे होते हैं इस वायर के बारे में, आप देख भी सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट लिखा हुआ है FR PVC है, और जैसे साइज है 100 mm, और क्लास सेकंड लिखा हुआ है, ग्रेड 1100 वोल्ट है, लेंथ 90 मीटर दी गई है, कोड YFR लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड IS 694 ISI मार्का है, जैसे कब यह बनाई गई है जैसे 2018 में, सब कुछ इसके ऊपर लिखा हुआ, जैसे बार कोड भी इसके ऊपर आपको मिलेगा। तो दोस्तों, जो जो मेन बात होती है वह आप इसके ऊपर चेक भी कर सकते हैं, मेड इन इंडिया है। सबसे खास बात तो इसकी है दी गई है, जो 1 mm की फुल गेज की वायर होती है उसके अंदर 14 छोटी छोटी वायर होती है 0.3 के हिसाब से। यह जो हमारे पास आरआर की, इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं 1 mm की जो वायर, उसके सामने लिखा हुआ है 14/0.3, इस तरह से इसका लिखा हुआ, फुल गेज में यह वायर रहती है। बल्कि अंडर गेज की भी मार्केट में आई हुई है, उस तरह से यह अंडर गेज में कभी भी नहीं आती। अब मैं आपको दिखा देता हूँ जो हमारे पास प्रोजेक्ट वायर है वह। आप देख सकते हैं यह हमारे पास प्रोजेक्ट वायर है, इसको पॉलिथीन के अंदर पैक किया गया है। साइज की बात करते हैं तो साइज भी इसका ज़्यादा बड़ा हो गया है। है यह 1 mm की ही, जो कि हमारे पास पहले वाली थी वह भी 1 mm की ही थी। दोस्तों, इसके ऊपर भी स्टिकर वगैरह लगा होता है, जैसे आपको मैं अभी दिखा भी देता हूँ। जैसे कि लिखा है इसके ऊपर साइज 1 mm लिखा हुआ है, प्रोडक्ट है आरआर केबल FR, कलर रेड है, लेंथ है 200 मीटर। इसी तरह से इसका बार कोड वगैरह भी यहाँ पर लिखा हुआ है। नीचे की तरफ आप देखेंगे वही सभी चीज़ जो उसके बॉक्स के ऊपर लिखी हुई थी, इसके ऊपर भी लिखी हुई है। जैसे कि मेन बात तो इसकी एक ही है कि कितनी इसकी लेंथ है, 200 मीटर। यह जो दोनों वायर हैं, बॉक्स वाली और यह पॉलिथीन वाली, 90 मीटर वाली और 200 मीटर वाली, यह दोनों FR PVC में है। बॉक्स वाली जो वायर है उसका जो 1 रुपया होता है वह ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर रोशनी नहीं है वहाँ दान दिया जाता है या डोनेट किया जाता है कंपनी के द्वारा। मान लो कहीं ग्रामीण जगह पर आपको पता कि जहाँ पर बिजली नहीं पहुँच पाती है, वायर वगैरह नहीं बिछी होती है, तो यह सरकार को या ग्रामीण साइड में जहाँ पर भी इसका जो भी चैरिटेबल ट्रस्ट होती हैं वहाँ पर इसका 1 रुपया एक बॉक्स में से दिया जाता है। आपने इन दोनों की पैकिंग तो देख ली है, 90 मीटर वाली और 200 मीटर वाली। 90 मीटर वाली हमारी गत्ते के अंदर पैकिंग है और 200 मीटर वाली जो वायर है वह हमारी पॉलिथीन के अंदर पैक की गई। अब मैं दोस्तों आपको यह वायर है यह दिखा देता हूँ किस तरह की है। हमारे पास जो बॉक्स के अंदर वायर है इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ। इस तरह से हम इसको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं, सबसे ऊपर वाला हिस्सा को हटाना जरूरी, जो गत्ता इसका लगा होता है। इस वायर का जो एक साइड का सिरा होता है उसको पकड़ के मैंने बाहर निकाल दिया, देख रहे हैं आप इस तरह से। अब मैं इसको छील कर आपको दिखा देता हूँ किस तरह की वायर होती है। फुल गेज में होती है, और जो इस वायर को हम बोलते हैं कि 14 वायर, छोटी छोटी इसके अंदर 14 वायर आपको मिलेगी 0.3 साइज की। आपने इसकी वायर भी देख ली है। अब हम बात करते हैं इसकी मेन है जो रेट के बारे में, कि रेट में क्या डिफरेंस रहता है, हमें कौन सी वायर खरीदनी चाहिए, कौन सी हमें सस्ती रहती है। जो 90 मीटर वाली 1
एमएम की वायर है उसका आज का रेट 625 रुपये है, और जो हमारे पास 200 मीटर वाली जो प्रोजेक्ट वाली वायर है उसका एक स्क्वायर एमएम का रेट 1311 रुपये है। 90 मीटर वाली जो हमारी वायर है 625 रुपये की, उसको हम एक मीटर का रेट निकालते हैं तो 6.94 रुपये एक मीटर का रेट आता है। जो 200 मीटर वाली जो वायर है उसका रेट 1311 रुपये है, उसका एक मीटर का हम रेट निकालते हैं तो 6.55 रुपये एक मीटर का रेट आता है। यह जो रेट आया है 6.55 को हम 90 से गुना करते हैं तो हमारा लगभग 590 रुपये 90 मीटर का रेट आता है। इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं 90 मीटर के हिसाब से तो 35 रुपये का डिफरेंस रहता है। जो हमारी बॉक्स वाली जो वायर होती है वह महंगी रहती है और जो प्रोजेक्ट वाली वायर होती है वह सस्ती रहती है। जब भी आप कोई मकान बना रहे हो, ऑफिस बना रहे हो, होटल बना रहे हो, हॉस्पिटल बना रहे हो, वहाँ पर आपको क्वांटिटी के अंदर वायर की ज़रूरत होती है तो आपको प्रोजेक्ट वाली ही वायर खरीदनी चाहिए, क्योंकि जिसका रेट होता है वह बहुत ही कम होता है जो बॉक्स वाली है उसकी बजाय। कहीं पर आपके एक दो ही बंडल लगने हो जो कि अलग अलग कलर में लगने हो तो आप जो बॉक्स वाली जो वायर है वह खरीद सकते हैं। यदि आप आरआर कंपनी की वायर खरीदना चाहते हैं तो आप मार्केट से आसानी से खरीद सकते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यह वायर है। इस वायर के अलावा भी आरआर कंपनी की अनेक प्रकार की वायर आती हैं। आरआर कंपनी के अलावा आप किसी भी कंपनी की वायर खरीदते हैं तो आपको ध्यान रखना कि फुल गेज में ही खरीदनी है, अंडर गेज की कोई भी वायर आपको नहीं खरीदनी। दोस्तों आपने यह वीडियो देखी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और आपने अभी तक बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था कृपया करके आप बिजली की दुकान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में ही बेल आइकन के ऑप्शन को भी ऑन करें ताकि हम नई जो भी वीडियो अपलोड करते हैं वह आपके नोटिफिकेशन में आ जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। इस चैनल के ऊपर हम नए नए जो भी बिजली से रिलेटिव आइटम आते हैं उन सब की वीडियो डालते रहते हैं, उनके बारे में उनकी कंप्लीट जानकारी देते हैं।